नमस्कार, आपला प्रोग्राम डीकोडमध्ये आप सगळ्यांचं स्वागत आहे। आजचे आपले पाहुणे आहेत डी पी त्रिपाठी जी। त्यांचा कार्यकाल त्यांनी सुरू केला होता JNU स्टुडंट मुवमेंटमधून, आणि ते एवढे पॉप्युलर होते की त्यांचे भाषण त्यावेळी ऐकायला लोक तासाने तास उभे राहायचे। त्यांचा सहवास त्यांच्या पॉलिटिकल करिअरवरती ज्योती बसू माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर जी चा खूप खूप प्रभाव आहे। तेवढाच नाही तर राजीव गांधीचा त्यांना खूप सहवास होता। त्यांच्या बरेच इनिंगमध्ये आणीबाणीच्या काळात ते नानाजी देशमुख बरोबर पण झेलात होते। आजचे आपले वित्तमंत्री अरुण जेटली बरोबर त्यांची सोबत होती। अनेक नेता बरोबर डीपी त्रिपाठी अक्रॉस दी पार्टी लाईन त्यांचा सहवास सगळ्यांची आहे। आज आपला बरोबर डीपी त्रिपाठीजी आहे। आपण आता सध्या झालेली त्यांची प्रेस कॉन्फरन्स आणि त्यांच्यावरती जे मुद्दे होते त्याच्याबद्दल आज आपण चर्चा करूया। आता आपण आमंत्रण करतो माननीय डीपी त्रिपाठीजी। डीपी त्रिपाठीजी नमस्कार, है महाराष्ट्र वन में आपका। सर, अभी जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो चीफ जस्टिस का इम्पीचमेंट का, तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी मुहिम की इतनी जोर से और वजह क्या है? देखिए, हम एक बहुत ही जिम्मेदार पार्टी है और विपक्षी दल भी बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं, खास तौर से न्यायपालिका के संदर्भ में। लेकिन न्यायपालिका में जो घटनाएं हुई हैं इधर कुछ महीनों में, वो बहुत ही गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भारत में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। संक्षेप में अगर कहूं तो 12 जनवरी 2018 को जो चार न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है, वो कहता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा को खतरा पैदा हो गया, बाहरी हस्तक्षेप के कारण निर्णय हो रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है, मामूली बात नहीं है। और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध संविधान के अनुसार महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू करना बहुत ही आवश्यक है। और उस पिटिशन पर, उस याचिका पर 65 से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा देर ना हो और इसे राज्यसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया जाए, क्योंकि स्थितियों पर जो सवाल उठाए गए हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, बहुत गंभीर है। उदाहरण दीजिए सर, क्या है बेसिकली, क्या प्रॉब्लम है? क्या उदाहरण? वो पत्र आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वो चार मुख्य न्यायाधीशों द्वारा लिखा गया पत्र है, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप वो पत्र आ गया है, वो तो पब्लिक डोमेन में वो डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट में ऐसा एलिगेशन है कि जूनियर जजों को केस दिए जाते हैं। क्यों? सवाल ये, क्यों दिए जाते हैं? पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वह अधिकार प्रश्नांकित हुआ है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को तो ये अधिकार है ना रोस्टर को तय करने का कि किस न्यायाधीश के पास कौन सा मुकदमा जाएगा। यहाँ आरोप साफ है कि मुकदमे निहित स्वार्थों को लाभ पहुंचाने के लिए एलोकेट किए जा रहे हैं। सर, ये बहुत ये मामूली बात नहीं होती। नहीं सर, ये बहुत गंभीर आरोप है ये चार जजों के, कि उसका मैं आपको रीज़न कहता हूँ। रीज़न ये है कि ये कहते हैं जूनियर जज, तो आप जूनियर किसको कहेंगे? जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज आता है वो कोई ना कोई राज्य का चीफ जस्टिस होता है, तो जूनियर कैसे हुआ? एक बात। दूसरी बात ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि पार्टीशन अपना डिसीजन हो रहा है, तो इसका कोई प्रूफ या प्रमाण नहीं है। तीसरी बात है कि इनकॉम्पिटेंट है जूनियर जज, तो आज तक जितने जजमेंट दिए वो ऑब्जेक्शनेबल है, लोगों को मानने नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आज सर ये देश के अंदर आ रही है कि चार सीनियर जज पब्लिकली डोमेन में आते हैं, ये अनुशासन की बात नहीं है सर? कल चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के ऐसे जज आ जाएंगे चीफ जस्टिस के सामने, सेशन कोर्ट के आ जाएंगे मैटर, तो अनुशासन कहाँ रहेगा? देखिए, ये उन्होंने कोई अनुशासन तोड़ने की बात नहीं की है। बहुत ही गरिमा में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर, सर्वोच्च न्यायाधीश की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। देखिए, सभी जज बराबर होते हैं,
चीफ जस्टिस फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स है, समान में सर्वोच्च, प्रथम, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स है, इसमें कोई शक नहीं, ये संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन अगर कहीं भी पहले से तय बाहरी हस्तक्षेप के प्रभाव के कारण निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है तो इससे सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और गरिमा प्रभावित होती है और ये बहुत बड़ा संवैधानिक खतरा है। इसलिए देखिए, महाभियोग इम्पीचमेंट लाने का मतलब इम्पीचमेंट होना नहीं हो जाता, इस पर बहस होगी, इस पर बातचीत होगी। चूंकि सवाल गंभीर है इसलिए हम इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को आरंभ करने की मांग करते हैं। सर दूसरी बात है कि चारों जजों ने ये कहीं नहीं कहा कि बाहरी शक्तियों की प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम चीफ जस्टिस के अपना जो कार्य पद्धति है उसमें है। आप एक बात समझ लें, लेटर में बहुत कैटेगरी लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है। हमारा प्रश्न ये है कि कल को एक चीफ जस्टिस, में अभी नाम नहीं दूंगा, उसको जाके एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाके उनके घर पे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं संदेह आता है ये चारों की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा स्तंभ है और आज की तारीख में ओनली स्तंभ है जहां देश देखता है, कहां आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ समथिंग बिग रॉन्ग इज गोइंग ऑन? नहीं, यहां देखिए कई बार राजू रावल साहब, कई बार जो बातें लिखित हैं या कही हुई हैं उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसी दस्तावेज में जो अनकही बातें होती हैं, उससे निकलती हैं। कई बार मौन जो है बहुत मुखर होता है। उस पत्र को ध्यान से पढ़िए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कार्यप्रणाली पर जो प्रश्न उठे हैं, क्यों उठे हैं, उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करिएगा तो आपको तमाम तरह के बाहरी दुष्प्रभावों की झलक दिखेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मामूली मसला नहीं है सर, इसको यूं ही छोड़ दिया जाए। नहीं सर, एक इस और पर बात, देश के सामने बहस होनी चाहिए, संसद में बहस होनी चाहिए सर, इसलिए इम्पीचमेंट को जल्दी से जल्दी लाया जाना चाहिए। सर जब ये बहस होगी तो मेरे ख्याल से ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए काला दिन होगा सर। इसकी वजह मैं आपको कहता हूँ कि उनमें से जो चार जजिस थे उसमें से एक जज है जो कॉलेजियम जाते ही नहीं कभी, ना ये चीफ जस्टिस, इसके आगे के चीफ जस्टिस भी थे तो उनकी भी मीटिंग में कभी नहीं जाते थे और जाहिर में वो विरोध करते थे। आज भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा है और कॉलेजियम के बारे में उन्होंने विरोध किया है। कल सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई ये एक याचिका के ऊपर के पावर किसके पास है बेंच अलॉट करने का, तो सर्वानुमत ये डिसाइड किया गया वो बेंच के पास के चीफ जस्टिस के पास है। तो ये कहना कि किसी एक्स जज के पास मैटर जा रहे हैं तो वो इनकॉम्पिटेंट है या फेवरेटिज्म कर रहा है तो खुल के बोलना चाहिए, ये साइलेंट नहीं चलेगा देश के सामने। मेरे ख्याल से ये एलिगेशन चारों जज ने पब्लिक डोमेन में आके सरेआम करने चाहिए, उसके बाद डिस्कशन हो राज्यसभा में। नहीं, क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ इस पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए इम्पीचमेंट ला करके, तभी मामला साफ होगा, साफ तभी होगा। मैं समझता हूँ कि चार न्यायाधीशों ने जो पत्र लिखा है वो बहुत ही मर्यादा और गरिमापूर्ण है, उन्होंने कोई व्यक्तिगत बात नहीं की है, सैद्धांतिक प्रश्न उठाए हैं और वो सैद्धांतिक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर बहस होनी ज़रूरी है। कॉलेजियम पर प्रश्न उठाए गए, बहुत से प्रश्न हैं न्यायपालिका के बारे में। मैंने संसद में दो बार नोटिस दी कि न्यायपालिका पर बहस क्यों नहीं हो सकती संसद में, मैं जज ए जज बी पर बहस नहीं करना चाहता, हमारी न्यायपालिका कैसी सर है? आपके संपूर्ण हाउस ने बहुमत के साथ लॉ कमीशन का बिल पास किया जो यही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो लेजिस्लेटिव से ऊपर होने जा रही है क्या जुडिशरी, आपका क्या कहना है? नहीं होना चाहिए, यही तो बात है, अपनी सीमाओं को न्यायपालिका नहीं समझ रही है, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ रही है, न्यायपालिका को अपनी सीमाएं जाननी होंगी और इस पर बहस होनी चाहिए। संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित नियुक्तियों के कमीशन के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है, किस आधार पर रद्द करता है? तो ये संसद बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है? लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में संसद सबसे बड़ी संस्था है, जनता द्वारा चुनी हुई। सर इस पे बहस और एक होगी,
अभी जो फिलहाल 2014 से एक पैटर्न देखा गया है, पहले के जितने भी चीफ जस्टिस थे कभी जाहिर में अपनी बातें नहीं रखते थे, इसके आगे भी जो दो चीफ जस्टिस हो गए जाहिर में बहुत सारी बातें बहसबाजी हुई है, यहाँ तक कि लॉ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होने के सामने भी बहसबाजी हुई है, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मेरी टिप्पणी है कि न्यायपालिका की जो गरिमा है वो हमेशा बनाई रखनी चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए कि उनके आपसी मतभेद सार्वजनिक हों, पब्लिक नहीं होने चाहिए। संस्था की शक्ति और उसकी सर्वोच्चता लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है तो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं बहुत सी बातें तो नहीं कहना चाहता इस समय। एक उदाहरण सिर्फ देना चाहूँगा जो सार्वजनिक हो गया था कुछ वर्षों पहले, कर्नाटक में उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश कुछ ऐसा कुकृत्य करते हुए पकड़े गए थे जो सार्वजनिक हो गया था मीडिया में, बिल्कुल मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूँ, वो तो बहुत ही लज्जाजनक हो, बिल्कुल जी जी, लेकिन भारत की महान न्यायपालिका ने क्या किया उन जजेस के बारे में, बस उनका तबादला कर दिया गया, उसमें एक आध का प्रमोशन भी हो गया। तो एक ऐसे कुकृत्य के लिए कोई सजा ना देकर न्यायपालिका ने जो नैतिक उदाहरण पेश किया है वो बहुत ही चिंताजनक है। अगर कोई संसद सदस्य उस स्थिति में पकड़ा गया होता तो उसका करियर समाप्त हो गया सर, वो दिखाने काबिल नहीं होता। मैं यहाँ तो न्यायपालिका कर क्या रही? मैं यहाँ पे आपसे डिफर होऊंगा सर, क्योंकि आपकी भी याददाश्त मेरे से बहुत शार्प रहती है। ऐसा एक संसद सदस्य पकड़ा गया था कुछ दिन, 6 महीने तक लोकसभा और राज्यसभा में नहीं आया, मैं नाम नहीं दूंगा, आप भी अच्छी भली भांति जानते हैं, बहुत मशहूर वकील है वो, क्या आप जानते हैं उनको? तो ये सब चीज़ें सब जो भी है पसल बात साइड पे छोड़ के, कल मुझे एक आप और एक एनलाइटन करिए कि हाईकोर्ट, वहाँ मैं आपको करेक्ट कर दूँ कि वो वकील पकड़ा नहीं गया था, वो फोटो वायरल हुआ था, जो भी था सर, नहीं देखिए जहाँ धुआ है वहाँ आ गया सर, नहीं तथ्यों को जरा तथ्य की तरफ पेश करना, चलिए यहाँ तो पुलिस ने पकड़ा था, हाँ तो पुलिस ने जब पकड़ा तो उस पर क्या किया सर्वोच्च न्यायालय ने और न्यायपालिका ने, ये बहुत जरूरी प्रश्न है। वो जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वकील की, वो उसमें पुलिस ने नहीं पकड़ा था, वो फोटो संभवतः ड्राइवर ने या किसी ने भी लिया होगा, हाँ। वो वायरल किया था, वो ठीक है, वो बराबर बात, लेकिन पकड़ा नहीं गया था सर। और एक प्रश्न है मेरा, कल के एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने 4 जस्टिस इस तरह बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तो आपका क्या स्टैंड होगा? नहीं मैंने बताया ना, इश्यूज पर निर्भर करें, क्या इशू है। अगर उन्होंने कोई व्यक्तिगत प्रश्न उठाया होता, कोई और कुछ उन्होंने नहीं किया, उस पत्र को पढ़िए कितना गरिमापूर्ण तरीके से उन्होंने संवैधानिक खतरों और न्यायपालिका में उत्पन्न संकट की तरफ संकेत किया है, ये जरूरी बात। सर ये नहीं लगता आपको राइट फोरम नहीं था? कोई चारा उनके सामने बचा ही नहीं था, और कोई कुछ माध्यम बचा ही नहीं था, मजबूरी में उनको ये करना पड़ा, ये तो उस पत्र में स्पष्ट है। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं इस विषय से। दूसरा सर, अभी फिलहाल माननीय शरद पवार जी ने, आपके पार्टी के अध्यक्ष जी ने राज ठाकरे जी के साथ पूना में एक संवाद किया था, उस संवाद में उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी। अब 2019 बहुत दूर नहीं है तो रिजर्वेशन को लेके बड़ी ही बहस चालू इस देश में, और उन्होंने बहुत कैटेगरीली कहा था कि इकोनॉमिकली उस पर रिजर्वेशन होना चाहिए ना कास्ट बेस्ड, तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए शरद पवार जी इस देश के वरिष्ठतम राजनीतिक नेता हैं, ये सभी जी मानते हैं। बिल्कुल, जो नए विचार आते हैं परिस्थितियों के कारण उस पर विचार होना चाहिए। उन्होंने हमेशा आरक्षण का समर्थन किया है, ये पिछड़े दलित और पीड़ित समुदायों की सोशल मोबिलिटी के लिए, सामाजिक उन्नयन के लिए ज़रूरी है, इसीलिए संविधान में इसकी व्यवस्था की गई। बाद में तमाम राजनीतिक दलों और सरकारों ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन यह बात तो महत्वपूर्ण है ही कि आर्थिक आधार को भी ध्यान रखना चाहिए आरक्षण के विषय। तो आपका कहने का मतलब है कि जो रिजर्वेशन अभी चल रहा है वो भी चलता रहे और आर्थिक को भी देखा जाए साथ साथ में। बिल्कुल, ये शरद पवार जी का यही शरद पवार जी का आशय है। दूसरी सर, शरद पवार जैसे लीडर जिसको आज देश बहुत ही रिस्पेक्ट से देखता है,
लेकिन उन्होंने जो उस इंटरव्यू में एक और बात कह दी जिससे एक कौम खास करके गुजराती लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, उन्होंने कहा था कि आजकल मैं आ रहा था वसई विरार से तो मैंने देखा बहुत सारे बोर्ड जो है गुजराती में आ गए हैं और इनको ठीक करने के लिए मैं और तुम दोनों राज ठाकरे हैं। तो ये जो भाषा शरद पवार जी के जो मुंह से आई है इसकी वजह से स्पेशली गुजराती कौम के अंदर एक बहुत बड़ा खड़बड़ी मच गई है, तो आप क्या इस पर रोशनी डालना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें हमारा कतई विश्वास नहीं है हिंदी भाषा भाषियों के प्रति। गुजराती देखिए, आप मुंबई की कल्पना ही गुजराती भाषा भाषी, हिंदी भाषा भाषी, तमिल भाषा भाषियों के बिना कर ही नहीं सकते। ये जो सार्वदेशिक रूप मुंबई का है, ये इसीलिए उभरा देश की आर्थिक राजधानी का, कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ पर आकर बसे, सबका योगदान है, विशेषकर गुजरातियों का, ऐतिहासिक कारणों से कि महाराष्ट्र और गुजरात तो एक राज्य की शक्ल में थे। ये तो जब महागुजरात का आंदोलन चला और महाराष्ट्र में आंदोलन चला कि दोनों राज्यों को अलग अलग किया जाए भाषाई आधार पर, तब अलग हुए, वरना तो आधार एक था। नहीं तो ये जो कमेंट शरद पवार जी के मुँह से आई उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? मैंने अपनी टिप्पणी कर दी कि आशय ये नहीं था कि गुजरातियों को का कोई विरोध है, विरोध नहीं है। कहीं पर पैम्फलेट जाते, जैसे एक बार उन्होंने मुझसे कहा, ये उसी तरह का स्टेटमेंट है, एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि भाई पिंपरी चिंचवाड़ में आपका जाना ज़रूरी है। हमने क्यों? बोले बहुत हिंदी भाषा भाषी हैं। तो हमने कितने होंगे? बोले जब हिंदी के अमुक अखबार का नाम लिया उसकी 1,00,000 प्रतियां वहां बिक रही हैं, तो इससे पता लगता है कि कितने हिंदी भाषा भाषी। अब ये कहने का मतलब नहीं, ये नहीं है कि उसका विरोध है, ये कहने का मतलब कि गुजराती में साइन बोर्ड्स ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, ये कोई विरोध नहीं है, ये एक तथ्य की तरफ इशारा है कि यहाँ पे गुजराती आबादी बढ़ रही है और कुछ नहीं है। सर, अभी जो स्टेटमेंट सुप्रिया सुले जी ने कहा कि अजीत पवार जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करे, लेकिन औपचारिकता से पवार साहब से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, सुप्रिया जी से आया, तो क्या डिफेक्टो प्रेसिडेंट के रोल में सुप्रिया जी आ गई है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रिया बहुत ही विनम्र और कार्यक्षम राजनेता के रूप में उभर रही है। कोई कार्यकारी अध्यक्ष या डिफेक्टो प्रेसिडेंट, इस सब का कोई सवाल नहीं है। हर राजनीतिक नेता और हर पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है कि अपने नेतृत्व को आगे करके पेश करें। अभी मैं हल्ला बोल आंदोलन में खुद शामिल हुआ शिरूर में, और मैंने देखा कि किस तरह का व्यापक जन समर्थन अजीत पवार और सुनील तटकर के नेतृत्व में पार्टी को, राष्ट्रवादी पार्टी को मिल रहा है इस हल्ला बोल आंदोलन के जरिए। उन्होंने मुझसे कहा, सभी नेताओं ने, कि कोंकण में जब सब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम ये हल्ला बोल अभियान को नगरों में भी ले जाएंगे। तो उस अभियान के दौरान, लेकिन सर रियलिटी जो है कि जैसे भास्कर और जाधव जैसे आपके लोग हैं वहाँ खाली एक ही सीट आपकी आई। अभी जो काउंसिल के जो चुनाव हुए उसके अंदर बीजेपी 41 जगह पे थी, सेना 22 पे थी, राष्ट्रवादी 8 पे और कांग्रेस 4 पे। तो आज की तारीख में आप क्या सोचते हैं कि ये 5% का वोट ड्रॉप हुआ है 2004 से लेके अब तक में राष्ट्रवादी कांग्रेस में, तो आपको क्या लगता है कि इसको इम्प्रूव करना या बेटर करने के लिए क्या क्या योजनाएं आप लोग कर रहे हो? देखिए, इसमें कई परिस्थितियां, कई बार अलायंस नहीं हुआ, कांग्रेस अलग लड़ी, हम अलग लड़े, उसके बहुत नुकसान हुए। हमारी ये मान्यता है कि जो भी रणनीति बने उसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी को मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहिए, और जितनी जल्दी इस गठबंधन की घोषणा हो जाए उतना ही महाराष्ट्र की जनता के हित में होगा और इस गठबंधन के हित में होगा। ये बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर आपको मैं कहूँ कि जो आपने पहला इलेक्शन यहाँ पे अलायंस ना करके अकेला लड़ा था तो उसके अंदर आपके 22% वोट शेयर था, उसके बाद आपने अलायंस किया तो आपका वोट परसेंटेज जो था वो 3% घट गया और आज आके 5% तक नीचे चला गया है। तो आपको नहीं लगता कि आपको अकेले के जो बलबूते पे जाना चाहिए? नहीं, इसलिए हमको थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़े तो भी हम महाराष्ट्र और देश के व्यापक हित में ये लोकतांत्रिक गठबंधन के लिए काम करना चाहते हैं। क्योंकि आज ही इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी है कि पूना के सीटों के बारे में ऑलरेडी अभी से
दोनों पार्टियों में संघर्ष शुरू हो गया है, तो क्या लगता है आपको कि इससे नुकसान होगा कि आने वाले दिनों में फायदा होगा? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, इसमें ये चलता रहता है। किसी भी गठबंधन में सीटों को लेकर आपस में खींचातानी होती है। आखिर भाजपा और शिवसेना में हुई कि नहीं, दोनों अलग अलग लड़े कि नहीं, सब हुआ है। तो इसलिए ये सब उसी व्यापक प्रक्रिया के हिस्से हैं जिसके अंतर्गत गठबंधन होता है, अलायंस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सारे प्रश्नों को हल करना, विवादों को हल करना आसान है और ये उस प्रक्रिया से हल हो जाएगा, कोई इसमें बड़ी समस्या नहीं होगी। अलायंस करने की इच्छा हो तो अलायंस हो जाएगा। सर, दूसरे आपने एक स्टेटमेंट किया था कि कर्नाटक के अंदर हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। सर, कर्नाटक में वैसे देखना जाए तो आपका बेज ही नहीं है, लास्ट इलेक्शन में सब मिला के आपको 9,000 वोट मिले थे। खैर, वो अगर अलग रखे तो आप राष्ट्रीय पार्टी थी शरद पवार जी के नेतृत्व के नीचे, आज आपका वो रेकॉग्निशन नहीं रहा राष्ट्र पार्टी का, फिर से वो रेकॉग्निशन लाने के लिए कौन सा नया चेहरा होगा, अजीत पवार या सुप्रिया सुले जी? आपको क्या लगता है कि उस दर्जे पहुंचने के लिए और आपकी क्या क्या मेहनत चालू है? देखिए, वो हम लोग उसकी रणनीति पूरी तरह बना रहे हैं। विभिन्न राज्यों में जहाँ हमारा कुछ आधार है वहाँ चुनाव लड़के हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पुनः प्राप्त करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उसके लिए कोई चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के सर्वमान्य नेता हैं। देखिए, हमारी समस्या क्या है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूँगा, लोग नहीं बोलते इस बात को, मैं बोल रहा हूँ। हमारी समस्या ये है कि राष्ट्रवादी पार्टी के पास शरद पवार साहब के रूप में देश का सबसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता है, लेकिन हमारी पार्टी बहुत छोटी है। हमारी पार्टी में लोकसभा में 6 और राज्यसभा में 4 सदस्य हैं जी। लेकिन ये भी देखिए कि हमारी पार्टी तमाम और पार्टियों से अलग एक ऐसी पार्टी है जिसके 4 सदस्य लोकसभा में महाराष्ट्र से, 1 सदस्य लक्षद्वीप से, 1 बिहार से है जी। राज्यसभा में 4 महाराष्ट्र से हैं, लेकिन लोकसभा का यह रूप देखिए, बहुत सी कम पार्टियां हैं। हमसे बड़ी पार्टियां हैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पार्टी, लेकिन इस तरह का विभिन्न राज्यों में उनका ये आधार नहीं है जो हमारा है। तो इस रूप को भी देखना पड़ेगा। सर, दूसरा एक प्रश्न हमेशा आता है, हम लोग जब डिकोड करते हैं कि इस देश के सबसे माने हुए नेता शरद पवार जी हैं, ये सब एग्री करते हैं, रिस्पेक्टेबल है, सब एग्री करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उनके दम पे, जैसे हम देखते हैं मायावती जी हो, मुलायम हो, लालू जी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ममता बनर्जी हो, ये सब ने अपने दमों पे उनके राज्यों में सरकार लाई, लेकिन आज तक शरद पवार जी जो महाराष्ट्र के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है वो अपने बल पे कभी 145 क्रॉस नहीं कर पाए, उसकी क्या वजह है? उसका मुख्य कारण ये है कि परंपरागत रूप से महाराष्ट्र कांग्रेस का आधार मजबूत रहा है। परंपरागत रूप से आप देख लीजिए, अरे कितनी बार यहाँ विपक्ष को बहुमत मिला है, एक या दो बार जहां तक पूर्ण बहुमत की बात, और नहीं मिला। तो उस मजबूत दुर्ग को तोड़ना शरद पवार जैसे ही नेता के वश में था। कांग्रेस से अलग होकर जितनी पार्टियां बनी आज तक, सबका लोप हो गया या फिर वो कांग्रेस में लौट गई। 20 साल तक कांग्रेस से अलग होने के बाद एक पार्टी को चलाने का श्रेय अगर किसी को है तो शरद पवार साहब को ही, वरना किसी की चली ही नहीं। आज भी देश में हर जगह हर पार्टी के नेता सम्माननीय तरीके से किसी नेता के बारे में बात करते हैं तो शरद पवार है। बिल्कुल, इंक्लूडिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उनको गुरु ही मानते एक तरीके से। सर, दूसरा है ये महागठबंधन होने जा रहा है अपोजिशन का, तो वही कारण से शरद पवार जी ने कांग्रेस छोड़ी थी कि सोनिया जी के विदेशी नागरिक होने के विचारों से। आज राहुल गांधी एक यंग उभरते हुए नेता बन के आ रहे हैं और संभावित प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, क्या शरद पवार जी उनके नेतृत्व में काम करेंगे? इस समय यह प्रश्न नहीं है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी या उनकी पार्टी भी इस प्रश्न को उस तरह उठाएगी। प्रश्न इस समय सभी विपक्ष को एक मंच पर लाने का है। जब एकता होगी तो नेतृत्व का मसला भी हल हो जाएगा। इस देश में बताइए 1977, 1989, 1996,
या 1991 फॉर दैट मैटर राजीव जी के असैसिनेशन के बाद भी, और 2004 में जहां एनडीए हार गया, सारे चैनल सारे सर्वे कह रहे थे कि अटल जी की सरकार वापस आ रही है, और आ गए कौन, तब यूपीए बना भी नहीं था, यूपीए तो चुनाव के बाद बना जी 2004 में जी। तो इस तरह की प्रक्रिया भारत में चलती रही है और मुझे लगता है कि 2019 में भी भारत की जनता अपना नेतृत्व और विकल्प तलाश कर लेगी। मसला वो नहीं है, मसला साथ आने का और एक नेशनल एजेंडा लेकर राष्ट्रीय मुद्दों को उठाते हुए चुनाव लड़ने का है। सर अभी पॉलिटिकल बात छोड़ के थोड़ी आपकी पर्सनलाइज बात पे आते हैं। आपकी लाइफ में आपके पर बहुत ही एक प्रभाव रहा है ज्योति बसु जी का, जिसको आप बहुत ही मानते हैं, उसके साथ साथ चंद्रशेखर जी का, तो कुछ ऐसी बातें बताइएगा जो आज के रिलीवेंट दौर में पॉलिटिक्स में जो अंतर आ गया हो। देखिए सिर्फ ज्योति बाबू चंद्रशेखर जी का ही नहीं, अटल जी का भी बहुत मेरा सानिध्य रहा है। नाना जी देशमुख और हम तो सेलमेट थे इमरजेंसी में कुछ दिनों तक। सुंदर सिंह भंडारी जी, नाना जी देशमुख जी, संघ के तमाम नेताओं से, रंजू भैया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी इलाहाबाद के, तो सब लोगों से मेरा संपर्क रहा है, भावराव देवरस जी से रहा है, तो संघ से लेकर मार्क्सवादियों तक, समाजवादियों तक, और अटल जी से जो मेरा संबंध रहा हो तो किताबों में आ गया है जी। अटल जी की जीवनी जिसने भी लिखी है जिस रूप में, वहां पाएंगे कि मेरा जिक्र है। इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष पर जो भी किताबें लिखी गई हैं, डेविड सेलबॉल से लेकर कूमी कपूर और सूर्य प्रकाश की नई किताब आई, वो बिना मेरे जिक्र के पूरी नहीं होती, हो नहीं सकती जी। तो मैं आत्म प्रशंसा में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन इन सभी नेताओं का बहुत बड़ा असर है। नहीं मैं ये, मेरा प्रश्न ये है सर कि आज जो पार्लियामेंट नहीं चलने देते और उस दौर का पार्लियामेंट जो चलना, जिसकी एक विशेषता थी, एक क्लास था, वो आज मिसिंग है, तो वो कौन सी दो बात मिसिंग है, वो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप ये जनरेशन को बताइए जरा। सबसे बड़ी बात जो आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि एक मानवीय संबंध होता है, मानवीय संबंध सब विरोध के बावजूद कुछ मुद्दों पर आपसी सहमति होती है। याद रखिए कि अटल जी 1984 में चुनाव हार गए थे, लेकिन जब राजीव गांधी को यह पता लगा कि वो अस्वस्थ है और उनके इलाज की जरूरत है, तो उनको नेता बना के भारतीय डेलीगेशन का न्यूयॉर्क भेज दिया गया, जिससे उनका इलाज, बिना उनके कहे। अटल जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व था, किसी से कहते थोड़ी ना ये सब बातें। और क्या था कि एक इस तरह का परस्पर सम्मान, ज्योति बसु, हमने कहा कि राजीव जी से आपको मिलने आना पड़ेगा मेरे घर पर, उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, वो कतई नहीं चाहते थे कि मुलाकात हो, लेकिन ज्योति बाबू आए और उनसे मुलाकात की, ये बड़प्पन था जी। और चूंकि राजीव गांधी की माँ इंदिरा जी उन लोगों के साथ थी, उनके पिता फिरोज गांधी उनके दोस्त थे, तो उस रूप में उनको देखना ये भी एक माननीय पहलू को बताती है जी। तो ये बड़े लोग थे। नहीं फिर मेरे मुद्दे पे आता हूँ कि जो ये दिल बड़ा होता, नहीं इस पर मैं कह दूँ, ये सारे मसले हल हो जाते थे। और अटल जी की कविता की दो पंक्तियां हैं जिसे अब भारतीय राजनीति भूल गई है, उसे याद रखना चाहिए कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, टूटे पैरों पर कोई खड़ा नहीं होता है। अटल जी की इन दो पंक्तियों को याद रखना बहुत जरूरी है जी। और सर विशेषता क्या लगता है सर, ये लॉक जाम जो पार्लियामेंट का चालू है, आज ऐसा हो गया है कि देश का युवा जो है ये परेशान है, ये जब जो लाइव टेलीकास्ट देखिए कि पार्लियामेंट नहीं फंक्शन कर रहा है, तो आपकी राय पार्लियामेंटरियन के लिए क्या है? मेरी राय स्पष्ट है, मैंने तो अपने विदाई भाषण में कहा जी कि 6 वर्षों में मैंने देखा कि 48% समय सदन का विघ्न बाधाओं में बर्बाद हुआ, डिसरप्शन में बर्बाद हुआ। इस पर आपको सोचना पड़ेगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक दिन का भी एडजॉर्नमेंट नहीं होता, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो कर क्या रहे हैं? इसलिए नए विधान और व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी जो इसको रोक सके। हमें इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टी
कभी सदन के वेल में नहीं गई, कभी हो हल्ला नहीं किया, हमने गरिमा के साथ अपने संसदीय कर्तव्य का निर्वाह किया। यही सभी पार्टियों को करना चाहिए। सर दूसरी बात, कुछ ऐसे व्यक्ति है हिंदुस्तान के सीनियर राजनेता जो पाकिस्तान जाते हैं और भारत के बारे में ओछी बात करते हैं, आप भी उनमें से हैं जो मेरे ख्याल से बेनजीर भुट्टो की शादी में आप मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे थे और आपने कुछ बातें भी बेनजीर भुट्टो के मंच से कुछ कही थी, तो उनमें और आज के उसमें क्या फ़र्क आ गया नेताओं? देखिए फ़र्क बहुत है। वो तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, चूँकि हमारा उनसे घनिष्ठ परिचय था, एक तरह से मैं कहूँगा मित्रता थी, इसलिए उन्होंने अपनी शादी में मुझे बुलाया और राजीव जी ने कहा कि सिर्फ जाओ ही नहीं, आप मेरे पर्सनल एनवॉय के तौर पर जाइए, मेरे निजी दूत की हैसियत से भी जाइए। तो उनका पत्र भी लेकर मैं गया, तो बहुत सी बातें हुई। कुछ आपने कुछ कहा था मंच से उनको विश करते हुए, वो क्या था? वो तो मैंने दर्शकों को बताइए। नहीं, वो मैंने आसिफ जरदारी साहब को कहा था जी जी, के उनका हाथ पकड़ के, नुसरत भुट्टो साहिबा इधर थी और जरदारी साहब के वालिद साहब उस तरफ थे, बेनजीर और वो बीच में यूं खड़े थे दावते वलीमा के दिन। तो मैंने हाथ पकड़ के आसिफ जरदारी का कहा, मुबारक हो बेनजीर शादी। बेनजीर का मतलब होता है अनप्रेसिडेंटेड, विदाउट अ प्रेसिडेंट। तो वही ये शादी भी बिना किसी मिसाल के है जी। तो मुबारक हो बेनजीर शादी, यूं हाथ पकड़ के मैंने कहा। थोड़ी देर के लिए दोनों को मैंने देखा तो बेनजीर को जल्दी समझ में आ गया, आसिफ साहब को थोड़ा एक पल के बाद समझ में आया कि इसका मायने क्या। अच्छा सर, आप उर्दू के विद्वान हो, संस्कृत के विद्वान हो, इंग्लिश के विद्वान और सारी भाषाओं के, और महाराष्ट्र ने आपको चुन के राज्यसभा भेजा था, लेकिन आपने बीच में शुरुआत भी की थी मेरा जहाँ तक नॉलेज है तहाँ तक मराठी सीखने की। हाँ। तो वो कहाँ तक पहुँचा आपका मराठी सीखना? सर देखिए, मैंने मराठी में ही शपथ ग्रहण ली, शपथ ली, शपथ विधि कहते हैं ना मराठी जी में। जी जी, वो मैंने मराठी में ही ली जी। मराठी मैं 90% समझ लेता हूँ जी, काम चलाऊ बोल भी लेता हूँ, लिखने में तो कोई समस्या नहीं। तो देवनागरी स्क्रिप्ट है, हिंदी की भी मराठी की भी, वो तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार आप जैसे अलग अलग भाषाओं में भाषण देते हो फुल फ्लेजेड, वैसे मराठी में भी कब एक्सपेक्ट किया जाए? सर मैं सोचता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि जल्दी से जल्दी सीख कर मैं भाषण कर सकूँ। छोटे छोटे भाषण तो मैंने दिए हैं जी, शुरुआत तक कर ली है जी, 4-5 वाक्यों तक जी, उसके बाद फिर हिंदी में आ जाता हूँ। सर चाहता हूँ कि एक बार पूरा, जैसे मैं बंगाली में भाषण कर सकता जी, उसी तरह मराठी में कर सकूँ जी, ये मेरी इच्छा है। क्योंकि हमारे दर्शक जो है, आपकी जो विदाई स्पीच थी पार्लियामेंट की, उसके पर हमारा एक विशेष यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, और आपको बता दूं कि उसको इतना प्रशंसा मिली थी हम लोगों को कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सर एक अंतिम प्रश्न, राज्यसभा आपने कहा वुमन एम्पावरमेंट के लिए आपने दोबारा नहीं ली और एक महिला जाए उसकी आपने पैरवी की, तो आगे पार्लियामेंट में रोल रहेगा, पार्टी में रहेगा या समाज कार्य में रहेगा, कैसा रोल रहेगा? डिप्टी जी को हम कहाँ देखेंगे? देखिए मैं पार्टी का महासचिव और मुख्य प्रवक्ता जी, महाराष्ट्र का प्रभारी हूँ, तो जो संगठन की पार्टी की भूमिका है वो तो चलेगी। उसके अलावा मैं बहुत से और कार्य करता हूँ, थिंक इंडिया नाम की प्रसिद्ध बौद्धिक पत्रिका निकालता हूँ और वो कार्य चलेगा, सब कार्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलेंगे। और संसद में रहना या न रहना, रहना बहुत मायनों में बड़ा श्रेयस्कर होता है जी, लाभकारी होता है, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन ने चेयरमैन के रूप में राज्यसभा के जो पहले विदाई भाषण में 1954 में, मेरे ख्याल से 18 मार्च 1954 को जो कहा था, वही मेरा मार्गदर्शक वाक्य है कि सिर्फ संसद में होने से ही आप सार्वजनिक जीवन में योगदान नहीं करते, वो न रहते हुए भी सार्वजनिक जीवन में आप बहुत प्रशंसनीय और जनता के हित का कार्य कर सकते हैं। जो लोग संसद से इस बार रिटायर हो रहे हैं उनको मेरी यही सलाह है, मैं उस सलाह को मानता हूं और उसी अनुसार आप देखिएगा अगले एक वर्षों में। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में
कुछ महत्वपूर्ण भूमिका तो मैं भी अदा करूँगा। नहीं, आपका रोल पता है, जैसे कि अगर नेपाल क्राइसिस हो या और कोई क्राइसिस या नक्सल क्राइसिस हो, वहाँ डीपी त्रिपाठी जी हमेशा आगे होते हैं वो सॉल्व करने के लिए। इसी तरह सर, एक साल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत की राजनीति में, बार बार हम चाहेंगे कि आपसे इसी तरह मुलाकात हो, बातचीत हो, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और डिकोड के प्रोग्राम में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।